अगर मैं इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर दो मर्तबा बैकग्राउंड कलर लिखूं और सेकंड टाइम में मैं बैकग्राउंड कलर की वैल्यू ऑरेंज नहीं बल्कि लाइट ब्लू कर दूं, तो क्या ये वाली डिक्लेरेशन यूज़ होगी या ये वाली डिक्लेरेशन यूज़ होगी? अगर हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे रिव्यू बटन्स का कलर ऑरेंज की जगह ब्लू हो जाएगा। तो इन दोनों डिक्लेरेशंस में से ये वाली डिक्लेरेशन क्यों सक्सेसफुल हुई, ये इग्नोर क्यों हो गई, इसका आंसर हम स्पेसिफिसिटी से नहीं दे सकते क्योंकि इसमें सिलेक्टर एक ही है और इसी एक सिलेक्टर के अंदर दोनों डिक्लेरेशंस दी हुई हैं। जब आपकी दोनों डिक्लेरेशंस सेम प्रायोरिटी लेवल पे हों, जैसे ये दोनों डिक्लेरेशंस क्लास प्रायोरिटी लेवल पे हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि पहले कौन सी डिक्लेरेशन आ रही है और बाद में कौन सी डिक्लेरेशन आ रही है। जो डिक्लेरेशन बाद में आती है उसकी प्रायोरिटी फिर पहली वाली डिक्लेरेशन से बढ़ जाती है। इसकी अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कल टेक करो की क्लास नहीं होगी और 5 मिनट बाद मैं आपको दोबारा से बताऊं कि टेक करो की क्लास होगी, तो जो बात मैं बाद में कहूंगी वो ट्रू होगी और जो बात मैं पहले कहूंगी वो इग्नोर हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह CSS के अंदर जो चीज़ आप बाद में लिखते हैं वो मानी जाती है और जो चीज़ आप पहले लिखते हैं वो इग्नोर हो जाती है। अगर दोनों चीज़ें सेम स्पेसिफिसिटी या सेम प्रायोरिटी लेवल पे एग्जिस्ट करती हों, तो सिंस लाइट ब्लू वाली डिक्लेरेशन बाद में आ रही है तो हमारे स्टाइल्स में लाइट ब्लू वाली चीज़ हायर प्रायोरिटी पे होगी। लेकिन अगर मैं इस वाली लाइन को ऑरेंज वाली लाइन से पहले लिख दूँ तो अब ये वाली डिक्लेरेशन यूज़ होगी, मतलब पेज को रिफ्रेश करने पे माय रिव्यू बटन्स का कलर वापस से ऑरेंज हो जाएगा। ये ऑर्डर वाली चीज़ हम एक और तरह से देख सकते हैं। हम एक और रिव्यू बटन डिक्लेरेशन बनाएंगे और उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे गोल्ड। अब सिंस ये वाली डिक्लेरेशन बाद में आ रही है इस वाली डिक्लेरेशन से, तो अब ऑरेंज भी इग्नोर हो जाएगा और गोल्ड बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। अगर हम इसको सेव करके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मेरे रिव्यू बटन्स का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा गोल्ड। अगर मैं इस डिक्लेरेशन को यहाँ से मिटा के इससे पहले लिख लूँगी तो अब ये वाली डिक्लेरेशन पहले आ रही है और ये वाली डिक्लेरेशंस बाद में आ रही हैं, तो हमारी सबसे आखिरी वाली डिक्लेरेशन मतलब बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रिव्यू बटन्स पे अप्लाई होगी। तो इसे रिफ्रेश करते हैं और इन बटन्स का कलर चेंज हो गया।